और अब खबर जोधपुर से, जहां पर सीएस शर्मा ने अहम बैठक ली है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बैठक ली है, दो दिवसीय जोधपुर दौरे पर हैं उषा शर्मा, और नए जिलों के गठन और कार्य प्रणाली के लिए उन्होंने समीक्षा बैठक की है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने अहम बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में नए जिलों की घोषणा की थी, और इन नए जिलों की घोषणा के बाद किस तरीके से नए जिलों के गठन में और कार्य प्रणाली में कार्य हो रहा है, इसके लिए उषा शर्मा द्वारा समीक्षा बैठक ली गई। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बैठक ली है, दो दिवसीय जोधपुर दौरे पर रही सीएस उषा शर्मा। सीएस उषा शर्मा ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नए जिलों में जो तमाम टीम्स का गठन से लेकर, बोर्ड्स के गठन से लेकर कार्य किस तरीके से किया जाना है, इसे लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। हमारे सहयोगी गिरीश शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गिरीश, दो दिवसीय जोधपुर दौरे पर रही सीएस उषा शर्मा, ऐसे में अधिकारियों को दिशा निर्देश किस तरीके के उषा शर्मा द्वारा दिए गए हैं नए जिलों को लेकर? देखिए नंदनी, बात करता हूँ, मुख्य सचिव उषा शर्मा दो दिवसीय जोधपुर दौरे पर थे और फिलहाल अभी जयपुर के लिए वो रवाना हो गए हैं। बता दें कि दो दिन में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने छहों जिलों के एसपी और कलेक्टर को बुलाकर उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, और लगातार जोधपुर को लेते हुए संभाग के सारे जिलों में जिस प्रकार शांति और सद्भाव बना रहे उसको लेकर भी अहम उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। जी बिल्कुल ग्रीष, नए जिलों का गठन होना है और वाकई पूरे प्रशासन के लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क है, चूंकि चुनावी साल है और मुख्यमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। अब ऐसे में जो ये नए जिले हैं, इनमें अगर तमाम बोर्ड्स और टीम्स के गठन से लेकर अधिकारियों को पदस्थ करने से लेकर कई ऐसे टास्क हैं जो किए जाने हैं, और अभी कितना ये काम हो पाया है? जी देखिए नंदनी, बात करें तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार मुख्य सचिव उषा शर्मा दो दिन से यहाँ पर दौरे पर थी, लगातार जो यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, संभागीय आयुक्त की बात करें या फिर कलेक्टर की बात करें या छह जिलों के जितने भी कलेक्टर थे उनको यहाँ पर बुलाकर अहम मीटिंग ली गई, और बता दें कि पुलिस के भी आला अधिकारी जो उच्च अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद थे, और जो नए जिलों की गठन की बात करें तो लगातार उनको लेकर भी मुख्य सचिव उषा शर्मा सक्रिय नजर आती दिखी, और उन्होंने लगातार यही निर्देश दिया है कि किसी प्रकार इन छह जिलों में जो शांति और सद्भावना बनी रहे, आने वाले जो इलेक्शन का टाइम है उसको मद्देनजर रखते हुए और भी कई अहम निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं। जी चलिए, शुक्रिया ग्रीश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जोधपुर संभाग के तमाम जो नए जिले जो गठित किए गए उनमें किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, उन नए जिलों में टीम्स के गठन से लेकर, बोर्ड के गठन से लेकर जो अधिकारियों की अधिकारियों का पदभार है किस तरीके से करवाना है, इन तमाम बातों का जायजा सीएस उषा शर्मा लेती हुई नजर आई, और अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं। जोधपुर संभाग के जिलों का यहाँ जायजा लिया उषा शर्मा ने।